नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव सेवन। इंडिया लाइव सेवन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अभी की खबर पर। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2019 को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की पहली और दूसरी तिमाही के परिणामों की घोषणा की, जिसमें जहानाबाद को बिहार के सबसे स्वच्छ शहरों में 9वां स्थान प्राप्त हुआ, जिससे जहानाबाद के लोगों में काफ़ी खुशी है। आपको बताते चलें कि जहानाबाद स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार के पटना और गया जैसे विकसित शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में पीछे छोड़ दिया है। इस मौके पर जहानाबाद नगर कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। जहानाबाद को अगर देखा जाए तो 9वां स्थान है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जरूर, ये स्वच्छता सर्वेक्षण जो अभी हुआ, इसमें बिहार में इस पर्टिकुलर इस कैटेगरी में हम लोगों का 9वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पूरे भारत देश में उसमें 312वां स्थान हुआ है। पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड है, लेकिन और हम लोगों का प्रयास है कि और इसको हम लोग बेहतर कर सकें। उसमें जहानाबाद वासियों से अपील है कि वे लोग स्वच्छ जहानाबाद कि जो परिकल्पना हम लोग सभी यहाँ जहानाबाद वासियों के सहयोग से कर रहे हैं, उसको एक मूर्त रूप दें, अपना सहयोग दें। जो भी गीला कचरा, सूखा कचरा ये सब है, इन सबों को अपना निर्धारित जगह पर ही रखें। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि हम लोग के आने के बाद भी और हमारे DM सर के मार्गदर्शन में ये है कि यहाँ पर ऑटो टिपर, क्लोज्ड बॉडी ऑटो टिपर्स वगैरह आया, और उसी के बाद से हम लोगों ने देखा कि कुछ एक बेहतर प्रयास इस दिशा में किया गया, और आज उसी का नतीजा है कि आज हम लोग कम से कम पूरे बिहार में 9वां स्थान पर हैं, और प्रयास रहेगा कि हम लोग और इसको बेहतर बना। सर, सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहा है जहानाबाद के, व्हाट्सएप ग्रुप में, सारे ग्रुप में फैला हुआ है कि मुकेश सर इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जरूर, असल में धन्यवाद के पात्र तो यहाँ के जहानाबाद वासी हैं, क्योंकि ये एक्चुअली यह सम्मान या प्रतिष्ठा उन्हीं लोग के लिए है और उन्हीं के सहयोग से संभव हुआ है, इसलिए ये उनको जाता है। जहानाबाद वासियों को हमारे तरफ से भी ये समर्पित है, साथ ही साथ हमारे DM सर का और सारे प्रशासनिक पदाधिकारियों लोगों का जो सहयोग इसमें मिला है उन सबों का, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण हमारे मीडिया बंधु उन लोगों का भी सहयोग है, क्योंकि इस क्षेत्र में जागरूकता उन लोगों के द्वारा जो फैलाया गया, इसके कारण हम लोग कम से कम एक अच्छे बेहतर पोजीशन पे आज है। सर, बिहार में पहला स्थान है, इसके लिए आगे क्या कर रहे हैं? जरूर, और इसके लिए भी हम देख रहे होंगे आपकी कंपोस्ट पीट वगैरह का निर्माण किया जा रहा है भवना वगैरह में, तो अब हम लोग जो है ये इन कचरा से जो भी अभी है इससे हम लोग खाद बनाने की प्रक्रिया भी इस साल में आशा करते हैं कि शुरुआत हो जाएगी, तो इस तरह से और हम लोग बेहतर इस क्षेत्र में कर सकते हैं। कम से कम अभी जो है हम लोग सिर्फ कचरा को निष्पादित कर रहे हैं सही तरीके से, लेकिन अब हम लोग उसको एज ए असेट्स के रूप में यूज करेंगे, मतलब एक खाद वगैरह बन जाएगा, और उसके लिए खुद एक मार्केटिंग होगी यहाँ पर, और एक सब्सिडाइज रेट में किसान भाइयों को वितरित किया जाएगा। लोग कहते हैं जब भी करता है दिल जहानाबाद में कुछ लजीज खाने का, तो जायका रेस्टोरेंट के बने खाने का ख्याल आ जाता है। जायका रेस्टोरेंट कहता है, हम चूल्हे में मेहनत की आँच लगाते हैं और ग्राहकों के लिए लजीज पकवान पकाते हैं। जायका रेस्टोरेंट देता है आपको क्रिसमस एवं नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बधाई। बात चाहे बच्चों की शिक्षा की हो या अनुशासन की, जहानाबाद के अभिभावकों की पहली पसंद है दबिंग फाउंडेशन एकेडमी। दबिंग फाउंडेशन एकेडमी के डायरेक्टर संतोष शर्मा का कहना है, जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद भी खूब बढ़ता है, ज्ञान से जो मूरत गढ़ी जाती है वो पूरे दुनिया में पूजी जाती है। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान दो, क्योंकि शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। जहानाबाद में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर तेजी से बढ़ता हुआ संस्थान दबिंग फाउंडेशन एकेडमी बच्चों एवं अभिभावकों को क्रिसमस व नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बधाई देता है।